हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, हम लोगों ने एमीन स्टार्ट किया था। एमीन का प्रिपरेशन मेथड किया था हम लोगों ने। रिपीट कर दो एक बार क्या क्या प्रिपरेशन मेथड थे, क्योंकि ये बिल्कुल सेपरेट था बाकी चीजों से। ये बिल्कुल चैप्टर जो है बाकी से रिलेशन नहीं है इसका। सबसे पहला रिएक्शन कौन सा किया था हम लोगों ने? गैब्रियल पिथैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस नेम रिएक्शन था बेटा। दूसरा, हॉफमैन ब्रोमाइड हाँ बहुत डिग्रेडेड। इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन आता ही आता है इस टॉपिक में से, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस। एक आधा और भी बताया था, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा और बताया होगा। स्मिथ रिएक्शन। स्मिट रिएक्शन, एक बेटा स्मिट रिएक्शन, बिल्कुल स्मिट रिएक्शन। तो कल हमने जो है जनरली इनके प्रिपरेशन मेथड किए थे। तो एमीन्स का प्रिपरेशन मेथड, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था आपका होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन था। आज जो है हम उनकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस ऑफ एमीन्स। इनमें भी कुछ नेम रिएक्शन है बेटा, काफी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है सारी। थोड़ा सा है टॉपिक लेकिन सारा इम्पोर्टेंट है। से एक रिएक्शन आती है हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। कार्बिल एमाइन रिएक्शन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बिल एमाइन रिएक्शन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एमीन, इन दिस रिएक्शन अगेन वर्किंग जो करोगे प्राइमरी एमीन पर, प्राइमरी एमीन, इन दिस रिएक्शन प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन एल्केलाइन कंडीशन। पहले भी लिया था बेटा आपने ये क्लोरोफॉर्म को एल्केलाइन कंडीशन में, एक रिएक्शन में नाम याद आ रहा है क्या था? राइमर टीमन रिएक्शन। राइमर टीमन रिएक्शन बेटा। प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन एल्केलाइन कंडीशन दैट गिव, एक कंपाउंड देगा वो, ऑफेंसिव स्मेलिंग, बेकार सी स्मेल आएगी, गंदी सी स्मेल आएगी उसमें, इरिटेट करने वाली, दैट गिव ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। दिस रिएक्शन प्राइमरी एमीन इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन एल्केलाइन कंडीशन दैट गिव ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। दैट्स व्हाई इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन टेस्ट आइसोसाइनाइड का नहीं है बेटा, ये टेस्ट एमीन का है। प्राइमरी एमीन यूज जो करेंगे वो यूज जो होगा वो आइसोसाइनाइड टेस्ट कह रहे हैं, आइसोसाइनाइड नाम है, लेकिन ये टेस्ट आइसोसाइनाइड का नहीं है, ये टेस्ट आपके एमीन का है। एक जनरल रिएक्शन अगर आप लिखते हो, कोई भी आपका प्राइमरी एमीन होता है बेटा RnS2, इसका आप क्लोरोफॉर्म और KH के साथ रिएक्शन करते हो, NaH ले लो, KH ले लो, जो भी लेना आपको, तो उससे होता क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है आपका, ये वाला नाइट्रोजन, ये इस कार्बन के साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है, अटैच हो जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है आपका। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो RnC या आइसोसाइनाइड बनता है। इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, या आइसोसाइनाइड बन रहा है RnC, इसी को हम आइसोसाइनाइड बोलते हैं। तो RnS2 क्लोरोफॉर्म QH के साथ RnC बनाता है, जिसकी ऑफेंसिव स्मेल आती है, इसलिए ये रिएक्शन जो यूज होती है, दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन होता है मतलब जिसके पास एन के पास दो एच जरूरी है, फिर वो प्राइमरी एमीन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, लेकिन प्राइमरी एमीन के लिए यूज होना है, NH2 होना चाहिए जिस ग्रुप के पास। तो
एक्चुअल में इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें बेटा, तो आपने पहले मैकेनिज्म देखा हुआ है, जहां भी क्लोरोफॉर्म होता है वहां एक स्पेशल इंटरमीडिएट बनता है। देखो क्लोरोफॉर्म जहां भी होगा, काफी डिटेल पढ़ी थी हमने CHCl3 NaOH के साथ, तो हमने कहा था कि ये जो बेस है ये इसका एलिमिनेशन करता है, पहले अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन का होता है, OH वाटर करके निकाल देता है, तो पहले ही हमारे पास एक CCl2 इंटरमीडिएट न्यूट्रल जो है इंटरमीडिएट बनता है, बाकी H2O और Cl नेगेटिव निकल जाता है। ये जो न्यूट्रल इंटरमीडिएट है इसका नाम होता है डाइक्लोरो कार्बिन। वहां भी राइमर टाइमर में भी डाइक्लोरो कार्बिन बनता था, यहाँ भी इसके बारे में काफी पॉइंट्स किए थे हमने, DCC डाइक्लोरो कार्बिन बनता है, जो कि एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रोफाइल क्यों करता है, इवन यहाँ पर लोन पेयर दिखाई दे रहा है फिर भी इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट पी ऑर्बिटल, के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, उसकी प्रेजेंस से ये जो होता है CCl2 एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और यहाँ पर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन प्राइमरी एमीन की, जब क्लोरोफॉर्म की बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनते हैं, दैट इज द कार्बिल एमीन रिएक्शन। इस कंपाउंड को कार्बिल एमीन भी बोलते हैं, तो कार्बन है एमीन के साथ इसलिए कार्बिल एमीन भी बोला जाता है, या आइसोसाइनाइड भी बोला जाता है, दोनों नाम बोले जाते हैं, इसलिए इसको कार्बिल एमीन भी बोल सकते हो, आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हो, बट नाम इसका कार्बिल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट है। तो बट है ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट होता है, ये प्रोडक्ट बनता है बेटा, और ये प्रोडक्ट बनता है, लेकिन टेस्टिंग जो होती है वो प्राइमरी अमीन की होती है। अगर प्राइमरी अमीन मतलब नाइट्रोजन पर दो हाइड्रोजन है तभी ये टेस्ट होगा, जिसकी मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, बताते जाओ करते जाओ, तो आगे बताते जाओ मैं बढ़ता जाऊं, जिससे आगे कार्बिल अमीन का पहले फिर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में पहले बनाओगे डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन मतलब CCl2 बना लोगे बेटा, जब CCl2 बना लोगे तो अब ये CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, डाइक्लोरोकार्बिन है इलेक्ट्रोफाइल है, तो अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, तो RNH2 या नाइट्रोजन के पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड पी ऑर्बिटल, इसलिए ये एक्ट करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, और इसकी रिएक्शन आप देने जा रहे हो CCl2 के साथ। अभी आपने देखा इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट पी ऑर्बिटल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो ये एक्ट करेगा एज न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे से बाइंड होंगे, तो CCl2 ये वाला इसका बाइंडिंग, ये इलेक्ट्रॉनों का है, ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो जैसे ये जाएगा तो फिर ये क्या होगा, CCl अटैच हो जाएगा और दोनों HCl आपके बाहर हो जाएंगे, रिएक्शन हो जाएगी, पहले R N हम ऐसे पढ़ेंगे, H इधर ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको कार्बन को, इसके पास Cl, इसके पास Cl, और फिर आपके ये दोनों HCl बाहर निकल जाएंगे, ये H और ये Cl, ये H और ये Cl, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा R N, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दो सिंपल बॉन्ड RNC, इस टाइप से ये आइसोसाइनाइड आपका बन जाए। तो इसमें आप देख रहे हो पॉइंट क्या आ रहे हैं, नोट क्या आ रहे हैं, पहला पॉइंट आपको इंटरमीडिएट बताना होगा बेटा, तो पहला पॉइंट जो है वो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, DCC जो है डाइक्लोरोकार्बिन जो है CCl2 वो इंटरमीडिएट है, वो एक्ट करेगा इंटरमीडिएट रिएक्शन, इंटरमीडिएट CCl2 रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और यही जो है इसका अटैक जो है अटैक ऑफ DCC डाइक्लोरोकार्बिन
on amine, nitrogen of amine, on nitrogen of amine is a rate determining step. ये आपका rate determining step है. Rate determining step यहां से जो attack किया है यही वाला आपका rate determining step है. Rate determining step आप यहां से decide करोगे. अब important point ये है कि अगर इस reaction में हमें देखना है कि जितना ज्यादा नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. तो इस चीज से ये क्लियर हो रहा है कि जो हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी हायर द मतलब इलेक्ट्रॉन देने का पावर जितना ज्यादा होगा नाइट्रोजन के पास हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ प्राइमरी एमीन ऑफ वन डिग्री अमीन क्योंकि टेस्ट सिर्फ वन डिग्री अमीन का है टू डिग्री का नहीं हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ वन डिग्री अमीन हायर वुड बी द रेट अगर आपको कंपेयर करना हो रेट का तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करेंगे और स्पेशल पॉइंट ये है फोर्थ वाला कि ये रिएक्शन जो है आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अमीन या प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन में यूज होती है reaction is used for identification of primary amine functional group जो है n पर दो h वाला functional group दो h n के ऊपर उसमें use होती है so, this is the काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा दिस इज द कार्बिल एमीन रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस में पहले हमने प्रिपरेशंस में देखा था ये रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट है रिपीट कर दो बेटा पहले सबसे पहले कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज द कार्बिल एमीन रिएक्शन पहले ये दो बताओ व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ कार्बिल एमीन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट How can we define the carbyl amine reaction? जब नेम रिएक्शन होती है तो मैंने बताया ना तीन चीजें बतानी होती हैं क्या तीन चीजें होती हैं वो सब्सट्रेट when a primary amine is react with dichlorocarbene in the presence of alkaline medium like NaOH then isocyanide will form dichlorocarbene की जगह बेटा क्लोरोफॉर्म बोल देना और बेटर हो जाएगा पहले when the primary amine react with chloroform in alkali medium जितने कार्बन की अमीन होगी उसी कार्बन का आइसोसाइनाइड बनेगा फिर आपका आएगा इसमें पॉइंट के अंदर देखो इसमें दो तीन चीजें पूछी जाएंगी कि भाई इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट देंगे डाइक्लोरोकार्बन डाइक्लोरोकार्बन रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा हाइड्रोजन का निकलना या डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक करना अटैक ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन तो अगर मैं एन के ऊपर चाहे एच ले लूं या डी ले लूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा RnS2 का भी वही रेट होगा जो RnD2 का होगा क्योंकि अटैक करना है कार्बन को कार्बन वाले पार्ट को और ये रिएक्शन इंपोर्टेंट क्यों है क्या इंपोर्टेंस है इस रिएक्शन का सर ये 1 डिग्री अमीन को टेस्ट करने के लिए 1 डिग्री अमीन की टेस्टिंग है ये 1 डिग्री अमीन का टेस्टिंग है इसमें इसको हम यूज करते हैं क्लियर डाउट है बेटा किसी का तो पूछ सकता है कैन आस्क चलूं आगे यस सर अब सपोज जैसे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं जैसे क्वेश्चन करते हैं मान लो मैंने आपको एग्जाम एग्जाम में दे दिया CH3 TH2 NH2 और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी ऐसे लिख दिया CHCl3 NaOH आपको बेटा प्रोडक्ट बताना है तो क्या बनेगा प्रोडक्ट बनाओ डायरेक्ट प्रोडक्ट बताना है आपको ये देखते ही ये समझ जाना है पहले देखो ये NH2 लगा हुआ है तो NH2 का मतलब ये क्या चीज है पहले ये समझना है कि ये आपकी प्राइमरी एमीन है और ये रिएजेंट समझ लेना है क्लोरोफॉर्म और के दो ही रिएक्शन है बेटा पूरी केमिस्ट्री में जो क्लोरोफॉर्म एनएच के साथ होती है एक राइमरटाइमान वाली और एक ये कार्बिल एमीन वाली ये देखते ही आपने समझ जाना है कि कौन सी रिएक्शन आएगी ये
इसका मतलब रिएक्शन कौन सी होगी, कार्बिल एमीन रिएक्शन आ गई। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बताओ बेटा क्या लिखूं, कार्बन कम ज्यादा होंगे कुछ, प्रोपेन आइसोसाइनाइड CH3 CH2, कुछ नहीं करना मुझे, N के साथ E अटैच कर, ये इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम देखो, अगर मैं C6H5NH2 लूं और क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराऊं, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस NaOH के साथ, तो बताओ रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले ये बताना आपको रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये रिएक्शन, आंसर दोगे बेटा? सर हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि हमें प्राइमरी अमीन से मतलब है, एलिफेटिक हो जैसे ऊपर वाली एलिफेटिक थी उससे मतलब नहीं है, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ NH2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप तो इसमें भी है, तो प्राइमरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन एलिफेटिक है एरोमेटिक है तो दोनों ही देते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NC। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला आपका इन दोनों क्वेश्चन से, क्या कहोगे आप, इससे क्या सीखे आप, ये जो कार्बिल एमीन टेस्ट है वो प्राइमरी एमीन देती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ देती है आपको, एलिफेटिक भी देती है एरोमेटिक भी देती है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक बोथ प्राइमरी एमीन, अगर प्राइमरी एमीन तो पता लग जाएगी लेकिन ये नहीं पता लगेगा कि एलिफेटिक है या एरोमेटिक, ये उस कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल सर। हाँ सर तो यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस में भी तो जा सकते हैं ना? हाँ रेजोनेंस में जा सकते हैं आप, ये बोल अगला क्वेश्चन मैं इसी पे दूंगा कि इन दोनों दे सकते हैं, एमीन दे सकते हैं, बट रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो वो अभी पॉइंट लिखा था जैसे हमने कि हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एमीन हायर वुड बी रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे दूंगा बेटा, क्लियर? यस सर। तो प्राइमरी एमीन दे सकती है, तो प्राइमरी एमीन देगी, प्राइमरी एमीन का टेस्ट है एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, बट फर्क ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जिसकी जितनी बेटर होगी, नाइट्रोजन पर लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे तो उसका रेट ज्यादा हो जाएगा रिएक्शन, क्लियर बेटा? चले आगे, लिख लिया, बताते जाओ बेटा मैं जिससे आगे बढ़ता जाओ, रिप्लाई करते जाओ। फिर देखो सपोज इस पर मैंने आपको प्रॉब्लम ऐसे करके दे दिया, एक चीज मैंने कल भी आपको बताई थी कि अब हम क्या है कि ऑर्गेनिक के एंडिंग पर है, तो आप जो है इसमें कई वीडियोस है केल्विन की साइट पे, जैसे रिडक्शन रिएक्शन है तो सारों की सबकी रिडक्शन रिएक्शन मैंने एक ही लेक्चर, एक दो दो घंटे के एक एक लेक्चर है ऐसे, उसमें सारी रिडक्शन एक साथ है, ऑक्सीडेशन पढ़ोगे ऑक्सीडेशन या नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन अवेलेबल है विद डिटेल और विद कई सारे एग्जांपल्स, तो अब आप वो जो है उसका यूज कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में तो चलो नहीं कर सकते थे लेकिन जब कंप्लीट कर लेते हैं तब हम कर सकते हैं उनका, तो आप देख सकते हो, जैसे देखो प्रॉब्लम मैंने आपको ऐसे दे दिया बेटा, मैंने लिख दिया अरेंज द फॉलोइंग प्राइमरी एमीन, arrange the following primary amine in increasing order of their rate for carbyl amine reaction, ऐसे दे दिया बेटा मैंने, और यहां लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया
CH3, CH2, NH2. सेकेंड एरिया C6H5, NH2, और थर्ड मैंने दे दिया आपको C6H5, CH2, NH2. तो आपको बेटा अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट फॉर कार्बिल एमीन रिएक्शन, अरेंज करना है. तो अरेंज का कंसेप्ट क्या है बेटा इस रिएक्शन का, अभी मैंने ऊपर पॉइंट्स दिया था आपको. रेट देखना हो तो सॉल्यूशन कैसे देखोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नाइट्रोजन देखोगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ NH2, जितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा ज्यादा होगी उतना रेट ज्यादा होगा. तो जैसे अभी आपने खुद ही बताया था कि सर जो ये है आपकी, इसमें देखो ये एलिफेटिक एमीन है, ये एलिफेटिक, ये भी एलिफेटिक एमीन है, यहाँ तो एलिफेटिक एमीन है ना, यहाँ पर एरोमेटिक एमीन है, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट NH2 अटैच होगा. तो इसका नाम बता सकते हो बेटा, इस पहले वाले जो सेकेंड वाला जो केमिकल है, ये जो एनिलीन एनिलीन होता है बेटा, एनिलीन, ये हमारे पास है एनिलीन. तो जो एनिलीन है तो एनिलीन के लोन पेयर तो बेंजीन रिंग में चले जाएंगे रेजोनेंस में, तो ये वैसे भी एरोमेटिक एमीन है, ये तो लेस रिएक्टिव हो क्योंकि नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी. अब आती है इन दोनों की बारी, ये दोनों ही हमारे पास, एक मुझे मेरे पास ये है बेंजीन रिंग CH2, फिर आगे NH2 है ना, और एक मेरे पास है ये CH3 CH2 NH2. आवाज नहीं आ रहा बेटा क्लियर आपका, कुछ आवाज गूंज रहा है. यस NH2 ये और NH2 ये, अब इन दोनों में देखना है आपने. तो इसमें देखो आप जो CH2 है, ये तो अल्काइल ग्रुप है ना, जो CH2 होगा वो कैसा ग्रुप होगा, अल्काइल. अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनों की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगा, तो ये भी बढ़ाएगा, यहाँ पर कंपटीशन तो सेम हो गया है ना. लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है वो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा का ये बेंजीन हमेशा नेगेटिव आई इफेक्ट होता माइनस आई देगा, और यहां पर CH3 अगेन प्लस आई आएगा तो ये फिर फर्दर फिर इलेक्ट्रॉन देगा. तो अवेलेबिलिटी देखो, ये दोनों ही मेरे पास जो सेकेंड वाली है, ये दोनों ही मेरे पास एरोमेटिक की बजाय एलिफेटिक एमीन है, एरोमेटिक की बजाय एलिफेटिक एमीन है. बट यहां पर देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी किसके पास ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं नाइट्रोजन के पास इस जगह पे देखो, तो यहां मोर अवेलेबिलिटी, मोर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहां इसके कंपैरिजन में लेस अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर. तो अब देखो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये तो क्लियर हो गया था बेटा पहले ही कि एनिलीन से ज्यादा रिएक्टिव ये होंगी. अब इन दोनों में देखो रेट किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाले का नाम बता सकते हो बेटा, ऊपर वाले का नाम C6H5CH2 का बेंजाइल बेंजाइल एमीन, ऊपर वाले का नाम है बेंजाइल एमीन, तो ऊपर वाले का नाम बेंजाइल एमीन और नीचे वाले का नाम इथाइल एमीन या इथेन एमीन. तो हमारे पास जैसे ये तो था C6H5CH2, ये तो सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला, ये थर्ड था. तो आंसर क्या आया देखो, आंसर आपका आया सेकंड सबसे कम, उसके बाद थर्ड और सबसे ज्यादा फर्स्ट. मतलब सेकंड का मतलब सेकंड का नाम आपका है अभी ऊपर लिखा है एनिलीन, तो एनिलीन कार्बिल एमीन रिएक्शन कम देता है, उससे ज्यादा जो देगा आपको बेंजाइल एमीन. सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें इथाइल एमीन होगा, इथाइल एमीन मोर रिएक्टिव हो जाएगा. तो इन दोनों में रिएक्टिविटी आप ऐसे दिखा सकते हो, इन दोनों में रिएक्टिविटी ऐसे बता सकते हो. तो ऐसे कुछ एग्जांपल और शेयर कर लेते हैं, तो जाओ फिर मैं आगे बढ़ता जाता हूँ. इंपोर्टेंट रिएक्शन है तो फिर एग्जाम्पल कर रहे हैं अपने.
सर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसी थीम पर फिर क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो कुछ आपके लिए एग्जांपल्स रख रहा हूं, यही देखना है आपको, कार्बिल एमीन का रेट देखना है। दो क्वेश्चन रख लेते हैं अपने, कार्बिल एमीन का रेट देखना है। तो कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कार्बिलेमिन टेस्ट। देखो बेटा, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया, मैंने लिख दिया एक C6H5NH2 और एक लिख दिया ये C6H5NH2, लेकिन पैरा पोजीशन पर मैंने CH3 लगा दिया। आपको ये बताना है कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ये मान लेते हैं फर्स्ट है और ये मान लेते हैं सेकंड। फिर आपको ये बताना है कि कार्बिलेमिन टेस्ट के लिए रेट किसका ज्यादा है, फर्स्ट का या सेकंड का। सेकंड का सेकंड सेकंड का रीजन कि यहाँ ये है, इसका आपका मिथाइल माइनस, मतलब इफेक्ट यहाँ माइनस इसका और इसका, तो चलो बराबर ही हो गया जो भी होगा, लेकिन CH3 का इफेक्ट क्या आएगा, जो भी यहाँ कुछ लिखा है, तो इसका मतलब CH3 या मिथाइल कुछ नहीं होता लिखा हो, तो प्लस आई होता है, ये तो इलेक्ट्रॉनों को अवेलेबल करवाएगा, तो वहां पर कुछ अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब इसकी बजाय इधर रेट इंक्रीज होगा। इसी टाइप से मैं अगर एग्जांपल ऐसे दे दूं बेटा, देखो कि एक दे देता हूँ PHNH2, एक दे देता हूँ PHNHCH3, ये सपोज फर्स्ट, ये सेकेंड, और एक दे देता हूं मैं थर्ड, साइक्लोहेक्सेन के साथ NH2 डाल दूं। अब बताओ बेटा रेट क्या होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अगर हमें रेट बताना हो तो क्या होगा कार्बिलेमिन रिएक्शन के लिए। सर थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट। थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। देखो और कोई स्टूडेंट बताएगा बेटा, सोचो, दिमाग लगाओ, दिल से नहीं, दिमाग से आंसर दिए जाते हैं एग्जाम में। दिल से तो जो होता है, जो हमें अच्छा लगता है वही करते हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं होता, एग्जाम में चाहे हमें अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। आपने वो NH2 क्यों कर दिया है? थर्ड वाला तो देगा ही नहीं, थर्ड वाला नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई और देगा बेटा जवाब इस क्वेश्चन का, रेट क्या आएगा, सबसे कम किस में होगा। पहली बात बेटा, सेकंड वाले में सर, हाँ सेकंड वाले में उसमें तो होगा ही नहीं, सेकेंडरी है। होगा ही नहीं। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सेकंड वाला तो सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन तो कार्बिलेमिन टेस्ट देते ही नहीं है, कार्बिलेमिन टेस्ट सेकेंडरी वाले कभी नहीं देंगे बेटा, ये एनएच फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे, तो एक पॉइंट पे ध्यान देना है आपने, एनएच जो है, एनएच यहाँ पर 2 डिग्री है, 2 डिग्री डज नॉट गिव, एक एक पॉइंट पे ध्यान देना बेटा। मैंने जैसे बात बोली ना कि दिल से नहीं दिमाग से, दिल तो जो हमें आता है बस वही बोलते रहते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, दिल का मतलब जो अच्छा लगता है वो करो, दिमाग कहता है कि जो सही है वो करो, तो यहाँ पर 2 डिग्री डज नॉट गिव कार्बिलेमिन टेस्ट, तो कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया बीच में, और ये दोनों, ये हो गया 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन तो देगा ही नहीं, 2 डिग्री अमीन का रेट तो 0 ही हो गया, तो उससे ज्यादा फिर एरोमेटिक अमीन, और फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। सीधा सीधा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, लेकिन बस कई बार मिस हो जाता है, ऐसा एग्जाम में होता है बेटा, जो मिस्टेक करनी हो पहले कर लो। और ये आपका फिर आते हैं एलिफेटिक अमीन, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, तो देखो क्या आंसर निकला फिर, तो 2 डिग्री अमीन तो सेकेंड हो गया, और सेकेंड के बाद फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद सबसे ज्यादा जो देगा आपको वो थर्ड वाला देगा, तो सेकेंड फर्स्ट थर्ड इधर जाओगे तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। क्लियर? यस सर।
नेक्स्ट चलो फिर, ये रिएक्शन हमने किया तो ये था हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन, जो आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसके बाद दूसरा आता है हिंसबर्ग टेस्ट। सारे टेस्ट की बात कर रहे हैं, पहला कार्बिल एमीन टेस्ट लिया था, फिर हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट, जो हिंसबर्ग टेस्ट है, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है, डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने में बेटा इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि हिंसबर्ग रिएजेंट होता कौन सा है। हिंसबर्ग रिएजेंट, जैसे गिगनार रिएजेंट याद करते हो, ऐसे ही आपको हिंसबर्ग रिएजेंट याद करना होगा। बेंजीन सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, फॉर्मूला बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट है। अब इसकी रिएक्शंस देखनी है अपने को, तीनों के साथ कैसी कैसी रिएक्शन आएगी। देखो डिस्टिंग्विश करने में यूज कर रहे हो आप, सपोज आपके पास है प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, तो 1 डिग्री अमीन के पास फंक्शनल ग्रुप होगा एन के पास, दो हाइड्रोजन होंगे NH2। अगर इसका रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट से करोगे तो ऐसे करके लिख दो इसको, इससे क्या होगा, ये HCl बाहर हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल है सल्फर, वही न्यूक्लियोफाइल है तो नाइट्रोजन पे वैकेंडी ऑर्बिटल है तो उससे रिएक्ट करेगा ये। तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बनेगा RNH, बाकी ये अटैच कर दोगे, देखो S डबल बॉन्ड हो, ये वाली रिएक्शन। अब इसके बाद क्या, अभी भी N के पास देखो एक H है, एसिडिक एच रखा हुआ है, तो आप बेस से रिएक्शन करवा दो, आप एक्वस NaOH के साथ हम रिएक्शन करवा देंगे। NaOH के साथ रिएक्शन करा दोगे तो साल्ट बन जाएगा, एच और बेस रिएक्ट कर जाएंगे और ये आपका बन जाएगा R एन, ये तो है ही, SO2 बेंजीन के साथ अटैच है, तो एन का एच ओ एच चला गया तो एन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस नेगेटिव को के साथ इसका Na पॉजिटिव साल्ट आ जाएगा। ये जो हो जाएगा ये सोल्यूबल है, ये मतलब सॉरी साल्ट बनते ही ये सोल्यूबल हो जाएगा। अगर ये सोल्यूबल बन गया, यहां तक रिएक्शन पहुंच गई, तो इट मीन्स ये प्राइमरी अमीन है। अगर बेटा सेकेंडरी अमीन या टर्सरी होगा तो कुछ रिएक्शंस में चेंजेस आएंगे, सपोज कैसे रिएक्शन रुकेंगी बीच में, जैसे 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन तो होता है R2NH, तो इसकी रिएक्शन कराओगे आप तो Cl SO2 इसके साथ, इसकी रिएक्शन में तो HCl बाहर हो जाएगा और रिएक्शन यहीं रुक जाएगी बिकॉज आगे रिएक्शन है नहीं, ये आपका R2N SO2, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, आगे रिएक्शन नहीं जाएगा। इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सल्फोनेमाइड, सेकेंडरी सल्फोनेमाइड बन जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, NaOH से रिएक्शन ही नहीं होगा क्योंकि एन पर एच है ही नहीं। अगर 3 डिग्री अमीन है तो देखो, अगर आपके पास 3 डिग्री अमीन है तो रिएक्शन होगा ही नहीं, R3N, N के पास H ही नहीं है तो रिएक्शन कैसे करेगा इसके साथ, नो रिएक्शन। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ आप तीनों को
डिस्टिंग्विश कर सकते हो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को। इंसबर्ग रिएजेंट बस एक फार्मूला याद करना है, सिंपल रिएक्शन सिंपल है, इजी है। पहले एचसीएल निकालो, अगर एच पढ़ा है तो आगे बेस के साथ रिएक्शन कर दो, एच नहीं है तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगा। पहला टेस्ट कार्बिलेमीन टेस्ट प्राइमरी अमीन का, दूसरा टेस्ट हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन को डिस्टिंग्विश करने का। चले आगे, यस सर। तीसरा टेस्ट आ जाओ, थर्ड टेस्ट जो बोलते हैं इसको हम डाई टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है डाई एजो टेस्ट, डाई मतलब कलर होता है, डाई एजो टेस्ट। डाई एजो टेस्ट क्या है? ये स्पेशली जैसे एरोमेटिक एमीन है आपके पास, एलिफेटिक एमीन नहीं, एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में मैंने डाई एजोटाइजेशन बताया होगा आपको, हाँ, यस सर, कपलिंग रिएक्शन बता रहे हैं ना। कपलिंग से पहले वाला पार्ट डाई एजोटाइजेशन। जब भी हम NH2 ग्रुप होता है तो NaNO2 और प्लस HCl के साथ रिएक्शन करते हैं। एक्चुअल में ये दोनों मिला करके HNO2 बनाते हैं, नाइट्रस एसिड होता है, उसके साथ रिएक्शन होती है। तो कम टेम्परेचर पर 0 से 5 या 10 डिग्री सेल्सियस तक ये डाई एजोटाइजेशन बनाता है, डाई एजोटाइज ये वाली चीज बनाता है। देखो मैंने एल्काइल हाइड वाले में बताया था आपको, एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये जो प्रोडक्ट बनता है दो नाइट्रोजन होते हैं इसलिए डाई एजो, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम साल्ट। डाई एजोनियम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, डाई एजोनियम साल्ट। यहां तक जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का नाम अभी जो आप बता रहे थे वो यहां तक का रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को यहां तक हम बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन नहीं, इसमें एरोमेटिक होगा तभी ये स्टेबल बनेगा। एराइल डाइजोनियम साल्ट जो होता है, एराइल डाइजोनियम साल्ट होता है, ये स्टेबल होते हैं। जो एलिफेटिक होता है, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट ये टेस्ट नहीं देते, एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट हैं। साल्ट्स आर अनस्टेबल, वो ब्रेक हो जाते हैं, वो आगे रिएक्शन तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए एलिफेटिक में नहीं देना, एरोमेटिक में देना है। तो एरोमेटिक की क्या है कि हम नेफ्थोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, नेफ्थोल। नेफ्थलीन तब होता है जब दो बेंजीन रिंग एक साथ अटैच होती हैं, वो नेफ्थलीन होता है। नेफ्थलीन के ये पोजीशन अल्फा होती है, ये बीटा होती है, यहां पर OH लगाओ तो इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थोल। ये टेस्ट ये होता है बीटा नेफ्थोल के साथ, बीटा नेफ्थोल थोल बीटा नेफ्थोल यस इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। अगर बीटा नेफ्थोल को एल्केलाइन सॉल्यूशन में लेते हैं तो यहां इसके जो है वो रिएक्शन हो जाएगा और डाई बनेगी एक। ये रिएक्शन क्या होगा, यहां पर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग और इनके साथ ये जो आपका नेफ्थोल है इसके OH जो है वाली पोजीशन पे, ये ऑर्थो पोजीशन होगी ना, ये वाली पोजीशन पे, यहाँ पर ये आपका एंड, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन आ जाएगा ना फिनोल का, ये तो OH है ही, यहाँ पोजीशन पे ये आपका N2 या N ट्रिपल बॉन्ड N जो भी बोलो आप, एरोमेटिक ग्रुप ये आके अटैच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये रिएक्शन जो आपकी है यहां से यहां तक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस पोजीशन वाला H हटा, अल्फा पोजीशन वाला अल्फा और पैरा पे तो रिएक्शन होती है फिनोल की, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये प्रोडक्ट बनाया है, ये रेड कलर की डाई होती है, रेड कलर डाई। तो
तो अगर हम क्या करते हैं, इसका मतलब अगर मुझे स्पेशली एनिलीन का टेस्ट करना है, तो एनिलीन का मैं क्या टेस्ट कर सकता हूँ, ये डाइएजो टेस्ट बना सकता हूँ। पहले एनिलीन का डाइएजोटाइजेशन करके बीटा नेफ्थोल डाल दो, अगर रेड कलर आ जाए, बीटा नेफ्थोल डालने पर अगर रेड कलर आ जाए तो रेड डाई बन जाए, तो इट मीन्स वो हमारी एरोमेटिक एमीन, इट मीन्स हमारे पास वो एरोमेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीन नहीं है, फिर वो एरोमेटिक एमीन है। एली मतलब आप किस में यूज कर सकते हो बेटा, ये समझ रहे हो ये बात, ये टेस्ट किसके लिए यूज कर सकते हो, डिस्टिंग्विश ऑफ डाइएजो टेस्ट किसमें यूज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश ऑफ 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। सर एलिफैटिक तो देगा ही नहीं, आपने कहा अनस्टेबल होता है। हाँ तो उन्हीं को तो डिस्टिंग्विश कर रहे हो आप। अच्छा उन दोनों को, एलिफैटिक एंड हाँ एरोमेटिक। एलिफेटिक और एरोमेटिक अगर प्राइमरी एमीन डिस्टिंग्विश करनी है, जैसे आप उसको किससे नहीं कर सकते, आप कार्बिलेमिन टेस्ट से नहीं कर सकते, कार्बिलेमिन तो दोनों ही देंगी, एलिफेटिक भी देगी और एरोमेटिक प्राइमरी एमीन देगी, आप दोनों को आपस में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, आप डिस्टिंग्विश ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, प्राइमरी एमीन में स्पेशली एलिफेटिक और एरोमेटिक को अलग अलग करना है, चेक करना है, तो एक आपका रेड डाई बनाएगा, दूसरा आपका रेड डाई नहीं बनाएगा, इसको बोलते हैं डाई एजो टेस्ट, ये हमारा बेटा हो जाता है डाई एजो टेस्ट। यार यस सर हो गया। नेक्स्ट फिर फोर्थ टेस्ट आता है आपके पास, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड, मस्टर्ड बोलता है सरसों का तेल होता है, उसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, जो उस जैसी स्मेल आती है इसमें, इसलिए हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इसमें क्या है कि जो RnH2 है, यहाँ भी प्राइमरी एमीन यूज किया जाता है, RnH2 HgCl2 के साथ रिएक्शन करता है, HgCl2 के साथ CH2 की प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो ये बनता है आपका RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस आपका HgS अलग हो जाता है और HCl अलग हो जाता है। ये जो RNCS है इसको बोलते हैं अल्काइल आइसोथायोसाइनेट, नाइट्रोजन पहले आ रहा है तो थायो साइनेट, देखो ये ग्रुप होते हैं नॉलेज क्लाउड में, देखो अगर मैं कह दूं CNO TNO, आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था मैंने, CNO होता है साइनेट, CNO साइनेट, और अगर ये आ जाए CNS, इसको क्या बोलोगे, थायो साइनाइड साइनेट, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो उसको बोलते हैं थायो साइनेट, CNO की जगह अगर मैं लिख दूं ऊपर वाले में NCS, क्या लिखोगे आप, NCO, आइसोथायोसाइनेट नाइट्रोजन पहले आ जाए तो ये साइनेट की बजाय आइसो साइनेट, थायोसाइन नहीं अभी था नहीं बेटा, अभी ऑक्सीजन है, अभी सल्फर कहाँ है, आइसो साइनेट, साइनेट है CNO, एन पहले आ जाए तो आइसो साइनेट, इसी टाइप से CNS ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है तो थायो साइनेट, और अगर मैं इसकी जगह NCS कर दूं, NCS, तो अब ये जो हो जाएगा थायो साइनेट तो हो जाएगा, लेकिन थायो मतलब आइसो और वर्ड लग जाएगा, आइसो लगा के फिर आइसो थायोसाइनेट, छोटे छोटे बेसिक्स हैं, तो अब ये RNCS है, तो NCS है तो अब क्या होगा, देखो सल्फर है तो थायो वर्ड आ गया, एन पहले आ गया तो आइसो भी आ गया, तो इसका नाम क्या होगा, एल्काइल आइसो थायो
साइनेट, जो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट होता है, ये केमिकल जो होता है इसमें स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल होती है, स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल जैसी स्मेल आती है, इसलिए ये भी आप प्राइमरी अमीन के लिए जो है टेस्टिंग यूज कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल वाली रिएक्शन होती है, होता क्या है कि वही वाला पॉइंट है कि यहाँ आर एन एच और एच होता है, रिएक्शन वही है, लोन पेयर है, और इधर जो है कार्बन, कार्बन डाइसल्फाइड का कार्बन सी एस डबल बॉन्ड एस होता है, एस होता है, तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को मिलता है, ये कार्बन का जैसे सल्फर इधर जाने लगता है तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाने लगेंगे, तो एन सी के साथ पहले बॉन्ड बन जाएगा, जैसे एन के साथ ये बॉन्ड बनेगा एच इसके साथ ट्रांसफर हो जाता है, तो पहले ये बनेगा आर एन एच, इधर सी डबल बॉन्ड एस, और ऊपर आ जाता है एस एच, ये एस एच आ जाता है, और फिर आपका ये एस एच यहां से जो है मरकरी हटाता है, तो मरकरी जो होगा वो एच जी एस को लेके चला जाएगा, एच जी एस सी एल टू, और ये वाला एच भी जो है सी एल के साथ बाहर जाता है, ये बाहर जाते हैं, और आर एन डबल सी, तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल भी किसकी रिएक्शन हुई, देखो ये हमारे पास प्राइमरी अमीन की, और HGS की खास बात यह है कि इसका भी ब्लैक पीपीटी बनता है, यहां से भी पता लग सकता है, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है सल्फाइड, है ना मरकरी का, इसका ब्लैक पीपीटी बन जाता है, तो इससे हम मस्टर्ड ऑयल टेस्ट से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये भी प्राइमरी एमीन ये वाला रिएक्शन देती है आपकी। तो प्राइमरी एमीन देखो टोटल फोर टेस्ट किए, पहला टेस्ट का क्या नाम था बेटा, पहला काफी आइसोसाइनाइड, डिटेल किया, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड या कार्बिलेमिन टेस्ट, कार्बिलेमिन, दूसरे साइनाइड, दूसरे वाला, दूसरा टेस्ट किया था हिंसबर्ग, हिंसबर्ग टेस्ट बेटा, हिंसबर्ग टेस्ट, थर्ड हॉफमैन नहीं, मस्टर्ड ऑयल, नहीं थर्ड डाई डाई एजो टेस्ट, थर्ड जो यूज किया था वो हमने डाई एजो टेस्ट किया था, और फोर्थ हमने जो किया है वो आपका ये मस्टर्ड ऑयल टेस्ट किया, ये प्राइमरी अमीन जो होती है CH2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एक केमिकल बनाती है एल्काइल आइसोसाइनेट, जिसकी स्मेल लाइक मस्टर्ड ऑयल होती है, इसको हम इसलिए मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। क्लियर? यहां पर देखो एक्स्ट्रा नॉलेज क्लाउड में दे देता हूं पॉइंट, ये क्योंकि नाइट्रोजिनस कंपाउंड का ही है, तो एक होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बैकमैन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है क्योंकि नाइट्रोजिनस कंपाउंड कर रहे हैं, तो नाइट्रोजिनस कर रहे हैं तो हम यहां पर कर सकते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जब बैकमैन नेम आ गया बेटा, देखो अगर नेम आ गया तो सबसे पहले आपको इसको यही चीज करना है कि ये रीअरेंजमेंट है किसका, किसके अंदर, पहला पॉइंट तो यही याद रखना है कि ये जो रीअरेंजमेंट है कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिम, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिम्स इंटू अमाइड, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिम इंटू अमाइड, ऑक्सिम्स का कन्वर्जन अमाइड में करना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
कन्वर्जन ऑफ ऑक्सिम्स इंटू अमाइड। तो पहले आपको ऑक्सिम समझने पड़ेंगे। देखो बेटा ऑक्सिम्स क्या होते हैं, आपने कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड किया था, कार्बोनिल उसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन की थी NH2OH के साथ, लाइटली एसिडिक मीडियम में तो H2 निकाला था, जो हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करके आपने बनाया था, हाइड्रोक्सिल एमीन जो प्रोडक्ट बनाया था वो ऑक्सिम थे। और क्या है हम पहले ऑक्सिम थे NOH। अब इन ऑक्सिम में खास बात क्या होती है कि जब ये रिएक्शन करते हो, अगर ऑक्सिम में डिपेंड करेगा कि ऑक्सिम कितने बनेंगे, जैसे आप सी डबल बॉन्ड एल्डिहाइड का लेते हो या कीटोन का लेते हो, तो सपोज आपने एल्डिहाइड का ऑक्सिम लिया, एज एग्जांपल आपने लिया CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच NH2OH से रिएक्शन करवाया, तो आपने NH2OH से रिएक्शन करवाया स्लाइटली एसिडिक मीडियम में, तो H2O गया। तो बेटा आपके पास देखो दो पॉसिबिलिटी है, एल्डिहाइड होते हैं तो एल्ड के जब ऑक्सिम बनते हैं तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एन एच की साइड में भी OH बन सकता है लोन पेयर उधर, और एच के अपोजिट साइड भी OH जा सकता है। तो इसका मतलब दो GI बनते हैं, E और Z फॉर्म बनती है एंटीजेजन जुसेमन, जो जिसको सिस ट्रांस भी बोल सकते हो आप, सिन या एंटी भी बोल सकते हो, या सिन और एंटी मतलब एच के रेफरेंस में OH पास में आ जाए तो सिन और दूर चला जाए तो एंटी। तो अगर मेरे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो आपके पास जो ऑक्सिम बन रहे हैं वो टू बन रहे हैं, टू ऑक्सिम। बट अगर सपोज आपके पास कीटोन है बेटा, ऑक्सिम की बजाय कीटोन है, कीटोन होगा तो सी के दोनों साइड आर ग्रुप होंगे। अब कीटोन भी दो टाइप के हो सकते हैं, दोनों आर ग्रुप सेम हो सकते हैं या दोनों आर ग्रुप अपोजिट हो सकते हैं। तो उसमें भी अगर पॉसिबिलिटी देख लें हम, तो उसमें क्या आएगा, चलते जाओ तो मैं आगे चलता जाता हूं। हो गया सर। अगर एल्डिहाइड की बजाय आप कीटोन लेते हैं तो कीटोन भी आपके पास दो टाइप के हैं, सिंपल कीटोन है या मिक्स्ड कीटोन है। जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कीटोन है आर सी आर डबल बॉन्ड हो, इसका रिएक्शन दे दिया आपने हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ, तो अब तो OH किसी भी साइड चला जाए, बात एक ही है, चाहे नीचे वाला भी आर है ऊपर वाला भी आर है कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, तब एक ही प्रोडक्ट बनेगा आर सी आर डबल बॉन्ड एन। चाहे मैं OH इधर लगा दूं, चाहे मैं OH इधर लगा दूं, कोई फर्क नहीं है, दोनों केमिकल सेम है। लेकिन अगर मैं कीटोन में आर अलग अलग कर देता हूं, अगर मैं कीटोन में आर अलग अलग कर देता हूं देन H2 वापिस निकलेगा, लेकिन अब मैटर करेगा वापिस, क्योंकि एक आर है एक आर डैश है, तो आर डैश ही किसी के रिस्पेक्ट में सोच लो आप, जैसे आर डैश के रिस्पेक्ट में सोचा तो OH उसके पास में, प्लस आर डैश के रिस्पेक्ट में सोचा तो OH उससे दूर, मतलब फिर आपके वापिस टू बन गए, एक ई फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन गए, जेड फॉर्म जेड आई टू जी आई बन गया। तो इस वाले जो केस होते हैं, ये वाले जो केस हैं आपके, ये ऑक्सिम्स जो हैं, ये जो ऑक्सिम्स में किसी भी ग्रुप के अपोजिट साइड वाला जो OH होता है वो रीअरेंजमेंट करना है आपको। वो रीअरेंजमेंट कैसे करना है वही चीज बता रहा हूं। अब आते हैं पॉइंट पर, अब हम बात करते हैं जो हम करना चाहते थे कि बैकमैन्स रीअरेंजमेंट होता कैसे, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये एक इस टाइप से मॉलिक्यूल रख लो आप, बेटर रहेगा कि
हमें NOH को रिप्रेजेंट करना है, तो ये ऑक्सिम लेना है, कोई भी जो आपको ऑक्सिम लिया हुआ है, ऑक्सिम लेना है। तो ऑक्सिम लेना है तो ये C डबल बॉन्ड O N, ये सपोज OH है, इधर इधर कोई भी ग्रुप है R या R-, जो OH ग्रुप जिसके साथ एंटी पोजीशन में होता है, कैसा ही ग्रुप एंटी पोजीशन में होता है, उस एंटी पोजीशन वाला आपको ऑक्सीजन उठा के कार्बन के पास ले, ये रीअरेंजमेंट करना है R- के एंटी वाला OH, जिससे क्या होगा कि वो ग्रुप वहां से हट जाएगा, वो वहां से हट के N के ऊपर आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये जो होता है एसिड की प्रेजेंस में होता है, तो यहां पर एंटी माइग्रेशन ऑफ OH, एंटी माइग्रेशन ऑफ, ये वो है, ये वर्ड आपने ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो बेटा प्रोडक्ट अगर बनाओगे फाइनल, तो R C, अब डबल बॉन्ड O हो गया इधर, ये डबल बॉन्ड O होते ही ये सिंगल बॉन्ड N हो जाएगा, N के पास एक H रह गया, H तो गया ही नहीं है ना, H रह गया, लेकिन N के साथ एक R आ गया, तो इसको मैं सही तरीके से करके लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, R T डबल बॉन्ड O N H R, सेकेंडरी अमाइड बन गई, सेकेंडरी अमाइड। तो अमाइड में जो कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन को हम जो है वो बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। बैकमैन रीअरेंजमेंट हमेशा ऑक्सिम का कन्वर्जन है, अमाइड ऑक्सिम का एमाइड में कन्वर्जन है, और ऑक्सिम बनाना हमें आना चाहिए। और यहाँ पर एसिड, एसिड के लिए आप कोई भी दे सकता है, कोई भी एसिड प्रोवाइडर जैसे H2SO4 हो सकता है, कोई भी एसिड जैसे H3PO4 हो सकता है, कुछ भी दे दे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे KHSO4 हो सकता है, जो भी आपको एसिड प्रोवाइड करे, PCl5, POCl3, ये भी वाटर में जाके बाद में H3PO4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, PCl3, PCl3, ये भी एच प्रोवाइड कर सकते हैं, तो कोई भी आपका एसिड की प्रेजेंस में ये बन सकता है, तो इसको बोलते हैं हम। मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपको इसमें कोई ना कोई फॉर्म देगा, वो नहीं देगा तो दोनों टाइप की पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी आपको, अगर नहीं देता है तो फिर आपको दोनों रीअरेंजमेंट आपको बनाने पड़ेंगे, दोनों में प्रोडक्ट जो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, प्रोडक्ट आपके बनते हैं वो आपके अलग अलग बने। अगर आर एक जैसे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर आर डिफरेंट हैं तब आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमने कैसे बनाना है, क्या हमारा प्रोडक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इसके ऊपर भी, तो जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास, ये आपको दिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ रिएक्शन के स्टेप्स लिख दिया आपके लिए, आपको कहता है कि स्टेप यूज करो NH2OH, फिर स्टेप्स यूज करो H पॉजिटिव के साथ हीट करो, फिर थर्ड कह रहा है उसका हाइड्रोलिसिस करो, और आपको प्रोडक्ट बनाना, कैसे बनाओगे। सबसे पहले CH3, जो जो अभी हमने यूज किया वो सारी चीजें ही तो है बेटा, CH3 CH3 CH3, इसका रिएक्शन कर रहे हो आप NH2OH के साथ, सबसे पहले तो ऑक्सिम बन गया, ऑक्सिम बन गया तो ऑक्सिम क्या बना, CH3, अब दोनों ही CH3 है, एक जैसा ही एक ही कंपाउंड बनेगा, दो तो नहीं बनेंगे, N कहीं भी लगा दो, N के साथ OH लगा दीजिए, ये जो चीज बन गई ये मेरे पास हो गया ऑक्सिम। अब ऑक्सिम बन गया, अगले स्टेप में वो कह रहा है इसके साथ देखो ये क्या चीज दिया आपको, H पॉजिटिव करके हीट करना है आपको, ये H पॉजिटिव हीट, और इधर आप ऑक्सिम देख रहे हो, देखते ही समझ जाना है कि ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है आपका, बैकमैन रीअरेंजमेंट है, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट है, तो बैकमैन रीअरेंजमेंट जैसे बनाया वैसे ही करना, बस सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है कि जिस कार्बन पर ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देना उस कार्बन पर, और उस
जहां ट्रांसफर कर रहे हो बैक के अटैक ये है, बैक मेन से भी याद रखना बैक है, तो उसका अपोजिट वाला CH3 नाइट्रोजन पे ट्रांसफर कर दे। तो इससे देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 T डबल बॉन्ड O NH CH3। अब कहता है लास्ट में इसका हाइड्रोलिसिस भी कर दो। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे एच पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एच ओ एच एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो ओ एच जो होगा ये वाला पार्ट टूट के ऐसे चला जाएगा और ओ एच दूसरे वाले पार्ट के साथ चला जाएगा। तो देखो क्या बन गया मेरे पास प्रोडक्ट, CH3 CO OH प्लस इधर आ जाएगा मेरे पास CH3 NH2। इस टाइप से आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, घुमा करके वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है कि भाई आपने क्या बनाया है, क्या बनना है। ये रहे एग्जाम्पल। बैकमैन रिएजमेंट की पहचान आपने खुद ढूंढनी है कि बैकमैन इंपोर्टेंट है, लेकिन नेम दे के नहीं पूछता, वो क्या करता है छिपा के देता है, वो देखता है कि आप कोई भी नेम रिएक्शन हो ऐसे ही देता है वो। जैसे देखो ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, मैंने दिया ये, मैंने कहा इसकी रिएक्शन करवा दो NH2OH के साथ, कुछ बनाओ, कुछ बनेगा, उसकी रिएक्शन कर दो H2SO4 के साथ, हीट कर दो, और अब इसकी रिएक्शन फिर फर्दर करवा दो OH नेगेटिव के साथ, PQR बना दो। यहां पर PQR आपके क्या हो सकते हैं ये आपको बताना है, PQR की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो पहला क्या है बेटा, पहली रिएक्शन क्या होगी, पहली रिएक्शन NH2OH के साथ ऐसे दे सकता हूं, H2 रिलीज हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड NH2 की रिएक्शन है, मेरे पास ऑक्सिजन बन गया। अब ध्यान से देखना ये रिएक्शन इंपोर्टेंट है। अब ये आपका बन गया, तो यहां से डबल बॉन्ड ओ एन किसी भी साइड डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ है, ये दोनों एक एक जैसे हैं, ग्रुप जो है दोनों एक जैसे हैं, एक जैसा पार्ट है दोनों का, यहाँ से एक जैसा पार्ट है दोनों। अब सपोज ये आ गया, तो अब देखो दूसरा पार्ट आप कह रहे हो H2SO4 मतलब एच पॉजिटिव और ये है, तो ये कौन सी रिएक्शन आ गई, ये तो ऑक्सिजन बन गए। अब जितना आसान पिक्चर देखने में लगता है, जैसे जितना आसान किसी पिक्चर को देखने में लगता है, लगता है यार क्या एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी को स्टेज पे भेज दो तो एक्टिंग उतनी ही मुश्किल होती है। वही चीज है कि जब तक अपने हाथों से आप 4 या 5 बार खुद बना के नहीं देखोगे तो चीजें इतनी आसान नहीं रहेंगी जितनी दिखेंगी। और ये परफॉर्मेंस में पता भी लगता होगा, जब पेपर करने बैठते होंगे तो चीज आती है लेकिन लगता है परफॉर्म ही नहीं हो रहा है। उसका रीजन यही है कि जैसे अभी कर रहे हो तो कॉपी में नोट करना चाहिए, लेकिन अब तो चलो एंडिंग में जा रहा है, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, तो आपको कॉपी में नोट करना चाहिए और बाद में घर जाके फिर दोबारा करना चाहिए, फिर तीसरी बार करते हैं, 2-3 बार करते हैं चीजें, तब जाके याद होती है। तो जैसे ये आपने किया, अब आ गया ऑक्सिम, अब एच पॉजिटिव और हीटिंग आ रही है, तो इसका मतलब ये मेरे पास बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गया। ये बैकमैन रीअरेंजमेंट है तो जैसा आपको याद किया था वैसा याद करना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये है कि ये मेरे लिए, इसका मतलब ये कार्बन ये रहा और ये नाइट्रोजन रहा, तो मुझे इसका ट्रांसफर इधर करना पड़ेगा और इस पूरे ग्रुप को उठा के नाइट्रोजन पिलाना पड़ेगा। तो जैसे ही ये करूंगा तो देखो क्या सिचुएशन बन जाएगी, ये एन एन के साथ ये कार्बन, ये सारी चीजें जितना आसान दिखती हैं इतना आसान है नहीं, वो खुद करोगे तो पता लगेगा कि क्या मिस्टेक होती है। जैसे ये एन एन के साथ एच तो यही रह गया, ये आ गया कार्बन, इस कार्बन से ये ग्रुप अटैच है, 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 लेकिन ये ग्रुप कार्बन सेट के नाइट्रोजन पे पहुंच गया और कार्बन के साथ जो रह गया है वो ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये क्या चीज हुई,
मैं काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेंबर रिंग बन गया ये, 7 मेंबर रिंग बन गया ये, तो ये चीज बन गई, ये 7 मेंबर रिंग। यहां पर एन के साथ एच आ रहा है 7 मेंबर रिंग में, पास वाले कार्बन पे ये C0 आ रहा है। ये जो बना है अभी NHCO, ये हमारे पास साइकिल बताया था मैंने आपको, ये साइक्लिक अमाइड है। ये कहां से कहां पहुंच जाती है ये आप देख सकते हो। साइक्लिक अमाइड को कल मैंने बोला था कि इसको बोलते हैं कैप्रोलेक्टम, लेक्टम बोला जाता है, और ये जो है आपका कैप्रोलेक्टम है, साइक्लिक अमाइड कैप्रोलेक्टम होते हैं। तो इसका मतलब आपका जो पी था वो ऑक्सिम बना था, और जो क्यू है वो कैप्रोलेक्टम बन गया। अब कैप्रोलेक्टम में हाइड्रोलिसिस कर दिया और आगे हीट कर दिया, तो ब्रेक होगा हाइड्रोलिसिस होकर के हीट होगा, तो वही वाला पार्ट आपका बेसिक मीडियम में कर रहे हो आप, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होकर के CH2, बीच में 6 कार्बन है, 5 करोड़, 5 एक बार छोड़ते हैं। इधर जो है कार्बन वाला उसके साथ COO नेगेटिव बेसिक है, तो एसिड नहीं बनाऊंगा। इधर जो दूसरे वाला पार्ट है वो NH2, ये जो आपका बन जाएगा, ये आगे चल करके जो है पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर बनाते हैं बाद में हम, नाइलॉन 6 पॉलीमर बनता है, ये सामने कल देखा। तो ये रिएक्शन वहां जाकर के पॉलीमर में पहुंच जाती है आपकी, तो ये इसलिए बैकमैन रीअरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन को बोलते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट। आप रिएक्शन इस टाइप की कर रहे हैं जिसके अंदर आपका नाइट्रोजिनस जो है वो ग्रुप आ रहे हैं, नाइट्रोजिनस ग्रुप के अंदर हम जो जो चीजें आ रही हैं वो कंपाउंड्स हम कर रहे हैं इसमें। अब कुछ एरोमेटिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी देख लो, एरोमेटिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड में जैसे NH2 आपका बेंजीन ऊपर, बेंजीन के ऊपर लगा हो, या NO2 ग्रुप भी लगा होता है, NH2 ग्रुप भी लगा हो सकता है, या NO2 ग्रुप भी लगा हो सकता है। तो NO2 जैसे नाइट्रोबेंजीन, और NH2 जैसे आपका ये एनिलीन, ये वाले आपने केस देखे हैं, तो इनकी रिएक्शन अगर देखें नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे एनिलीन, एनिलीन में NH2 है, जैसे नाइट्रोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे करके और फिनोल के कंपैरिजन में भी ज्यादा एक्टिवेट करता है, इसलिए ये काफी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और फिनोल की तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर पोजीशन पर ये अटैक करवाएगा। तो एनिलीन जो है एरोमेटिक, बिल्कुल इसकी बेंजीन रिंग फिनोल की बेंजीन रिंग जैसी ही है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जो भी रिएक्शन कराते हो, जो ब्रोमिनेशन कराना है या आपको नाइट्रेशन करवाना है, वो बिल्कुल फिनोल जैसा होगा। बट मेरा पॉइंट कुछ और है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब जैसे NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है काफी, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचता है। ये इलेक्ट्रॉनों को, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाते हैं, इसलिए ये वाला ग्रुप जो नाइट्रो ग्रुप है, इसके ऊपर बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल कम कर देता है, मतलब डीएक्टिवेट कर देता है, तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर टुवार्ड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल अगर आते हैं तो यहां पर ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएंगे, और स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहां पर जो आएगा इलेक्ट्रोफाइल।
हाँ तो वो जो आएगा एंड मेटा डायरेक्टर, टुआर्ड इलेक्ट्रोफाइल, मेटा डायरेक्टर लेकिन टुआर्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है कि अगर हम यहां पर दोनों के लिए बात करें तो ये दोनों ही एक इवन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दूसरे में जो आपका है स्ट्रॉन्ग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दोनों ही केसेस में फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस नहीं होती। फ्रिडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो दोनों ही पोजीशंस के अंदर नहीं होती, एक्टिवेटिंग ग्रुप में भी नहीं होती और ये नाइट्रोबेंजीन भी नहीं देता फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, और NH2 जो होता है वो भी आपका फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। तो ये जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है ये आपका क्यों नहीं देती, इसका क्या रीजन है? देखो पहले इसको करने से पहले आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन समझना पड़ेगा। तो दोनों ही आपकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रही, तो नाइट्रोबेंजीन नोट ये आ रहा है। एनिलीन एंड नाइट्रोबेंजीन बोथ डू नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्राफ्ट रिएक्शन दोनों ही फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। तो आपको फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जनरल होती क्या है? जनरल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जिसमें बेंजीन रिंग होता है, जनरल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने देखी होगी, जनरल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब मुझे थोड़ा सा 11th वाले पार्ट में आपको ले जाता हूं मैं कि जनरल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस पर। एसिड क्लोराइड प्लस AlCl3 की अगर हम रिएक्शन। कोई भी जैसे बेंजीन वगैरह है ना, बेंजीन में सपोज कोई भी एच है, बेंजीन का रिएक्शन किसी भी एसिटाइल ग्रुप जैसे CH3, CH2, COCl के साथ या एनहाइड्रस के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। AlCl3 तो ये AlCl3 जो होता है एनहाइड्रस लुईस एसिड बोलते हैं, तो ये लुईस एसिड AlCl3 होता है, ये क्या करता है Cl- को बाहर कर देता है, अपने पास ले जाता है, इससे ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये जाकर के और इस H को रिप्लेस कर देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है, तो बेंजीन ये इजीली आपको रिएक्शन दे देता है, टोलिन दे देता है, और इसमें इस टाइप से ये प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं CO, जो भी अटैच करना चाहते हो CH2। ये हमारा एक जनरल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है। तो जनरल फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है इसमें एनहाइड्रस AlCl3 हम यूज करते हैं, तो इसमें इंटरमीडिएट जो होता है ये कार्बोकेटाइन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल मतलब कार्बोकेटाइन, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, बहुत सारी बातें हैं लेकिन 11th वाले पार्ट में, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है तो यहां पर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में AlCl3 में ये यूज करते हैं, बट हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग और आपका हाईली एक्टिवेटेड रिंग, हाईली डीएक्टिवेटेड रिंग, हाईली डीएक्टिवेटिंग रिंग नेवर शो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। का रीजन क्या है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते? सिंस दे आर इनर्ट, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करते, सिंस दे आर इनर्ट, ये आपके सिंस दे आर इनर्ट सो कैन बी यूज एज ए सॉल्वेंट इन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्पल क्या, नाइट्रोबेंजीन,
एग्जाम्पल आप देखेंगे नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन ऊपर आप देख के आयो हाईली एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड है, अब बेंजीन रिंग में इतना पावर ही नहीं है कि उसके ऊपर आकर के जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, बाहर चले जाते हैं, इसलिए आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो उस पर आकर के अटैक नहीं करता इसको, इसलिए आप देखते हो बहुत सारी फिटल क्राफ्ट रिएक्शन में इवन नाइट्रोबेंजीन को आप एज ए सॉल्वेंट यूज करते हो, फिटल क्राफ्ट रिएक्शन में ये आपकी सॉल्वेंट यूज होती है। सिमिलरली हाईली एक्टिवेटेड रिंग जो है, बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग होती है, वो भी आपकी रिएक्शन में शो नहीं करती है, तो उसका रीजन देखो क्या है, हाईली डीएक्टिवेटेड जो समझ आ गया कि भाई बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन रिचनेस ही नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करे। लेकिन आपका दूसरा पॉइंट देखो एनिलीन अपोजिट है बिल्कुल, अगर मेरे पास हाईली डीएक्टिवेटेड की बजाय हाईली एक्टिवेटेड रिंग भी है, हाईली एक्टिवेटेड रिंग है वो भी जो होगी डज नॉट शो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो क्यों शो नहीं करेगी, उसका क्या रीजन है कि जैसे आप मान लो एनिलीन है हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, एनिलीन में NH2 हाईली एक्टिवेट करने वाला रिंग है, लेकिन जैसे ही आप इसमें AlCl3 डालोगे एनहाइड्रस AlCl3, वो रिएजेंट से पहले ही इस हाईली रिएक्टिवेटेड को हाईली डीएक्टिवेटेड में कन्वर्ट कर देगा, कैसे, क्योंकि ये एसिड है और नाइट्रोजन इसके साथ साथ बेस का काम भी करेगा, नाइट्रोजन तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये आपका एन जो है NH2 अपने इलेक्ट्रॉन दे करके इसको AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, अब जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो NH2 तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा ही नहीं, अब इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप था लेकिन AlCl3 से रिएक्ट करके NH2 पॉजिटिव बन गया, अब पॉजिटिव बन गया तो ये हाईली डीएक्टिवेटेड हो गया, अब तो ये नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन दोनों ही फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। अब आगे अगर मेरे पास फिडल क्राफ्ट है CH3CO वगैरह पड़ा है बट नो रिएक्शन, क्योंकि अब वो देता है फिर, हाँ फिनोल में रिएक्शन होती है फिडल क्राफ्ट, वो आप रिएक्शन करते हैं उसके अंदर रिएक्टिव होता है, लेकिन उसमें फिर आगे जाके रीअरेंजमेंट होता है ना, फ्रीज वगैरह वाला करते हुए जो रीअरेंजमेंट किया था हमने वैसे रिएक्शन हो जाते हैं उसके अंदर, तो नाइट्रोजन वाली आपने ध्यान रखना है कि वो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन आपके जो है वो नहीं देंगे, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नाइट्रोबेंजीन भी नहीं देगा और एनिलीन भी नहीं देगा, और इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन भी आते हैं आपके। पर एक बात और है कि जब AlCl3 एनहाइड्रस होता है तो AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, जैसे आपने अभी बात की थी फिनोल की, तो फिनोल में एनहाइड्रस AlCl3 लेके और ले जाते थे, और ऐसे ही बेंजीन में अगर एल्काइल हैलाइड होता है तब भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो वीकर लुईस एसिड है जैसे आप कह सकते हो ना सर AlCl3 लेंगे या कोई और लुईस एसिड भी ले सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, जैसे ZnCl2 ले सकते हैं क्या सर, FeCl3 से ले सकते हैं, आप ले सकते हो फिडल क्राफ्ट, लेकिन उन केसेस के अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, उन केसेस में रीअरेंजमेंट के चांसेस नहीं होते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में, उन केसेस के अंदर मैं नोट लिखना चाहूं कि आपका इन केस ऑफ एनहाइड्रस अगर AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, लेकिन इनसे भी वीक ले लिया आपने लुईस एसिड बट वीकर, अगर आपने इनसे भी वीकर लुईस एसिड ले लिया, वीकर लुईस एसिड, इससे वीकर लुईस एसिड क्या लेते हैं, जैसे हमने ZnCl2 FeCl3 अगर ये आ जाए, वीकर लुईस एसिड ZnCl2 FeCl3 डू नॉट, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो हो जाएंगी लुईस एसिड में उनकी प्रेजेंस में, बेंजीन में आप ZnCl2 FeCl3 ले सकते हो लेकिन उस टाइम पे आपका जो है रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इस पर भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, फोकस करना है
और क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, घुमा फिरा के कैसे आए हुए हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ यहीं पर जाते जाते। जैसे 11th का ही सही, लेकिन रिलेटेड चीज तो आ गई। सपोज एग्जाम में ऐसे आया एक बार, बेंजीन ऐसे आया, CH3, CH2, CH2Cl, एन हाइड्रस AlCl3, और मेजर प्रोडक्ट पूछ लिया। देखो था तो पॉइंट बेटा इजी, बट AlCl3 था, AlCl3 जैसे ही Cl निकालेगा ये तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और 1 कार्बोकेटाइन है और AlCl3 की प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो जाएगा। एच इधर ट्रांसफर होके CH3CH+ CH3 में, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ये बात कह रहा हूं कि एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं तो रीअरेंजमेंट अगर है, हो सकता है तो होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट हो जाएगा तब जाकर के अब ये वाला जो कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, एच जो है इसका ये रिप्लेस करता है, ये एच रिप्लेस करेगा तो प्रोडक्ट जो क्या बना, क्यों मेजर प्रोडक्ट जो बना वो बेंजीन के ऊपर मीन CH3 जो हमने क्यूमीन परोक्साइड पढ़ा था जो, तो ये आपका बनता है क्यूमीन बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, मेजर प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। और एक बार ऐसे प्रॉब्लम दे दिया, एक बार ऐसे प्रॉब्लम दे दिया, प्रॉब्लम है इजी इजी सी, प्रॉब्लम कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आती है, लेकिन बस वही है कि आपका, अभी मैंने जो बात की ना कि भाई दिल से नहीं दिमाग से, जैसे एक बार ऐसा एग्जांपल दे दिया, देखो बेंजीन रिएक्शन ऐसे करके दे दी कुछ ऐसे, पर एच पॉजिटिव दे दिया और प्रोडक्ट पूछ लिया, ऐसा करके पूछ लिया प्रोडक्ट पूछ लिया, तो बात तो वही थी ना कि जैसे ये क्या करेगा, पहले पॉइंट क्या आएगा कि ये यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा, बेंजीन ये एच पर अटैच हो जाएगा इससे, जैसे ये इससे अटैच हो जाएगा यहां से कार्बोकेटाइन, आपको कार्बोकेटाइन जनरेशन सीखना था उसमें, उस चैप्टर के अंदर जब करते थे तो आपको कार्बोकेटाइन जैसे ही एच इसके साथ चला गया पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया तो ये तो कार्बोकेटाइन है। अब इस कार्बोकेटाइन ने क्या करना था फिर, देख सकते हो डायमेंशंस है इजी, इस एच को ट्रांसफर करना था, तो प्रोडक्ट क्या बना फाइनल, देखो बेंजीन रिंग तो लगा ही रह गया, बेंजीन रिंग आपका रह गया, ये बेंजीन रिंग जैसा है वैसा रहा, और बेंजीन पर जो दूसरे वाली चीज कैसे कन्वर्ट होके, देखो कार्बोकेटाइन की फॉर्म में आकर के इसके साथ अटैच हुई, ये प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, ऐसे प्रॉब्लम्स देते हैं कि भाई कार्बोकेटाइन, मतलब आपको अल्टीमेटली क्या है कि कार्बोकेटाइन बनाना है, उसमें पॉसिबिलिटी देखनी है, अगर रीअरेंज होता है तो फिर रीअरेंज करके देखना है उसमें कार्बोकेटाइन बना करके। एक बार ऐसे दे दिया, बेंजीन एल्कीन दे दी और एच पॉजिटिव दे दिया, पॉइंट वही था कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल बना के अटैक करना, मतलब कार्बोकेटाइन बना के अटैक करना है, जिसने इस अप्रोच को सीख रखा था उसने तो क्वेश्चन कर लिए, जो सिर्फ फ्रिडल ग्राफ नेम रटता रहा उसका कुछ नहीं बना वहां पर, ऐसे गया जिसने कार्बोकेटाइन बनाना आता है उसने कार्बोकेटाइन बनाया, CH3CCH3CH3, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया कार्बोकेटाइन, और इस कार्बोकेटाइन को एच की तरफ ले जाना, कुछ ना लुईस एसिड दिए कुछ भी नहीं दिया, ऐसे ऐसे बना के दिए उसने, तो सीधा इस पर अटैच करना था ले जाना था, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, ऑर्गेनिक तो है, मैथमेटिक्स की तरह है इसके क्वेश्चंस जो है। टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन हाँ इसके अब ये कन्वर्जन भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भैया आप कैसे सोल्व करोगे, ये आपने देखना है। ये आपका जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ और पॉइंट्स में आपको नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन वगैरह है थोड़ा सा
10-15 मिनट का और है तो वो करवा देंगे, तो नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर्स वो करेंगे आपको, उसमें मैं आप नोट्स में समझा दूंगा, उसमें कोई ज्यादा चीजें नहीं है करने वाली। एक आपका चैप्टर है कुछ, क्या है उसका नाम, लास्ट में जो है केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, वो आपने अपने आप करना है, बताने वाली ज्यादा चीजें है नहीं। मैं आपको पॉलीमर और ये और बता दूंगा, जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बेटा मैं लीव कर रहा हूँ, पीरियड आता है आपका, आपके पीरियड कौन कौन से चल रहे हैं आजकल?